भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान संगठन के लॉकडाउन के बाद पहली बार कार्यकारिणी लेवल की बैठक हुई, जिसमें संगठन के विस्तार और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। हम आपको बता दें कि नॉर्थ रेंज उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे जितेंद्र सिंह राजपूत को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में जितेंद्र सिंह राजपूत का बढ़ता कद इस बात का प्रमाण है कि संगठन के लिए जितेंद्र सिंह राजपूत दिन रात काम कर रहे हैं। जितेंद्र राजपूत है। आज भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान संगठन का, पहले मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और नॉर्दर्न रेंज यूपी प्रभारी, आज एक जिम्मेवारी और बढ़ गई है, इन्होंने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री गंगादत्त भारद्वाज जी का, जो हमारे फोल्डर अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और महासचिव श्री कृष्ण त्यागी जी जो हैं उपाध्यक्ष, क्या नाम जो है हमारे गुलाब चंद जी हैं, और उपाध्यक्ष हमारी जो है मोनिका जी हैं, और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारी संस्था से जुड़े हुए 83 से, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस संस्था को आगे ले जाने के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए जो भी मेरे से हो सकेगा, तन मन धन से जो है मैं इसमें जी जान से मेहनत करूंगा और लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। हमारा एक नारा है, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, अपना अपना करो सुधार तभी मिलेगा भ्रष्टाचार। नई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चयन किया गया है, जितेंद्र राजपूत जी को दिल्ली प्रदेश का प्रभारी सौंपा गया है, अध्यक्षता सौंपी गई है, और आईटी की टीम का नया गठन किया गया है। प्रचार मीडिया के लिए भी श्री ए.के. कौशिक साहब को नियुक्त किया गया है। कुछ नए मेंबर भी बनाए गए हैं बैंक की शाखाओं का भी विलय किया गया है सरकार ने, इसलिए उनको भी टीकरी कलावाड़ी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर करने की समीक्षा की गई है। इस प्रकार बहुत सारे प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया है और नए मेंबरों का भी संगठन के साथ जुड़ाव किया गया है। डॉक्टर की गतिविधियों के साथ पिछले एक से डेढ़ वर्ष से मैं जुड़ा हुआ हूं। आज बहुत सारे प्रस्तावना रखी गई हैं, जिसमें हमारी वेबसाइट को लेकर विचार विमर्श हुआ, जो डिजिटली हमने अपने आप को प्रमोट किया है, और जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमने विचार रखा है कि उन मुद्दों पे हम कैसे कार्य कर सकते हैं और अपने संगठन को पूरे देश के अंदर किस प्रकार से तेज गति दे सकते हैं, उस पर हमने विचार किया है। हमने अपने आप को डिजिटली लेके आए हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया। इसके साथ ही साथ हमने अकाउंट्स को भी डिजिटल किया है। जैसा मैं कोषाध्यक्ष हूँ तो मेरे को अकाउंट्स की लैंग्वेज में ही बात करनी आती है, तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से डिजिटली लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डोनेशन भी, एक्सपेंसेस भी सारे ऑनलाइन करेंगे। डिजिटल इंडिया हमारा इंडिया। हमारे कार्यकर्ता और सदस्य हैं, बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं और संस्था को मजबूत करने के लिए आज डिजिटलाइज संगठन को किया गया। बहुत सारे मुद्दे, जैसे समाज को सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सारे मुद्दे लेके आए हैं, कपड़ा बैंक है और अपना जो संस्कार शाला है, जिसके माध्यम से शिक्षा और संस्कार देने की पद्धति को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य है और ऐसे कार्य को अगर संगठन आगे लेके चल रहा है कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो वंचित समाज है या शोषित समाज है या पिछड़ा समाज है, या जो बच्चे हमारे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, आज संस्था उनको लेके उनको संस्कार शाला के माध्यम से उनको संस्कार शाला में लाके उनको शिक्षा और दीक्षा देने के कार्य कर रही है, और ये बहुत बड़ा कार्य है और इसको पूरे भारत में चलाया जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, वो कार्य रहा, इसमें नए कार्य भी जुड़े हैं। जैसे मैंने भी एक प्रस्ताव अनुरोध किया था कि हर अपने अपने एरिया से आदमी एक ग्राम सुधार का जो भी कार्य करेगा, साल भर में एक काम जरूरी है संस्था के नाम पर देने के लिए। अब जो मैं मेंबर जो पीछे बना था अपनी भारतीय भ्रष्टाचार एवं सामाजिक उत्थान संगठन का, जिसका मैं अभी पद पे अपना ब्लॉक समिति का ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे हूँ,
और मैं कामना करता हूं कि ये हमारा संगठन चले और टिकरी कला में इसका बार बार स्वागत करता हूं जो मीटिंग रखी। मैं श्री कृष्ण त्यागी संस्था का राष्ट्रीय महासचिव हूं। लॉकडाउन के बाद हमने ये जो है पहली मीटिंग की है और पूरा जो है हमने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है, डिस्टेंस रखा है, मुझे मास्क वगैरह लगा के सैनिटाइजर का जो है उसमें उपयोग किया है। बाकी सभी जितने भी हमारे जो है संस्था के मेंबर पदाधिकारी आए हैं उन सभी से विचार विमर्श हुआ, कुछ हमने निर्णय लिए संस्था के बारे में हैं और संस्था को कैसे चलाना है, संस्था में भाई आगे क्या सुधार होना चाहिए। तो सभी सदस्यों ने जो है अपने अपने जो है विचार रखे हैं और उसका सर्वसम्मति से हमने फैसला किया। उस फैसले में जो है जितेंद्र राजपूत जी को हमने दिल्ली का जो है अध्यक्ष बनाया है। संगठन ने हाल ही में अपनी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है जिससे पहले से ही देश के 13 राज्यों में काम कर रहा संगठन अब पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ेगा। नवनिर्वाचित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने भी संगठन के अधिकारियों का आभार जताया है। टीकरी कला नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।